स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट हमारे पास 5th और 6th है। फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, एक्सरसाइज 6.4 है। इसकी हमें एप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालनी है। आप क्या करिए, लेट कर लीजिए fx इक्वल टू आपके पास है, इसे मैं हमेशा कहता हूं x मान के सोचिए, x की पावर है 1/10। अगला काम क्या होता है, f'x निकालिए सर, और ये कितना आ गया 1/10। 5 चैप्टर पढ़ा था ना, चैप्टर 5 अच्छे से ध्यान है, 9/10। समझे, बात समझ में आ रही है। यहां पर हमें और सोचना होता है किसको, x को, x प्लस डेल्टा x को और डेल्टा x को। तो x प्लस डेल्टा x तो हमारे सवाल ही होता है 0.999, यही x प्लस डेल्टा x है। x कौन बैठेगा, देखिए समझिए, ये है आपके पास, ठीक है। इसके आसपास किसी एक ऐसे बंदे को ढूंढिए जिसकी मैं 10 बार मल्टीप्लाई करूं तो भी वो इसके आसपास बैठ जाए। 1 है डेफिनेटली, 1 1 1 1 1 1, 10 बार मल्टीप्लाई करिए, 1 आएगा, 1 इसके बिल्कुल आसपास बैठ रहा है, यस बैठ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप, इसमें से इसे माइनस करते हैं, यानी सर इसमें से इसको माइनस करिए, तो ये नेगेटिव है, ये ज्यादा है, नेगेटिव का आंसर आपका बचेगा। इस तरह से माइनस करते भाइयों, ध्यान रखना माइनस कभी कभी बेसिक मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो 10 में से 9 गए, कितना आ गया 1, और 9 0 0 और 0, ये आ गया 0.001 नेगेटिव, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला यहां पर यूज करना है, बिल्कुल सिंपल है। तो वो क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ डैस एफ एक्स, यहां पर आपने एफ एक्स लिखना है, प्लस एफ डैस एक्स डॉट डेल्टा एक्स, ये आपके पास है, ठीक है। एफ एक्स कितना भाई हो, आइए 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 ये रहा, और एक्स कितना है 1, यानी 1 की पावर 1/10 प्लस एफ डैस एक्स, सर यहां आ जाइए 1/10 की पावर 1 की पावर 9/10 डॉट माइनस 0.001। अब देखिए सर, ये तो 1 ही आएगा, ये आपके पास 1 ही आएगा, और ये कितना हो गया है नेगेटिव, और यहां पर 10 रह गया है, और ये हो गया 0.001। अब जब मैं यहां पर इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0.00, एक और जीरो आ जाएगी ना, ये आ, ठीक है। अब जब आप इसे माइनस करेंगे सर, माइनस मैंने जब किया है, जब आप करेंगे तो आ जाएगा 0.9999, बिल्कुल सिंपल और इजी था। हम नेक्स्ट में चल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है y इक्वल टू 15 की पावर 1/4। यहाँ पर मैं आपके साथ दोबारा डिस्कस करूंगा ब्रदर, 12th क्लास पूरी की पूरी इतनी आसान क्लास है कि आप इसे विद इन 2 मंथ में आराम से सॉल्व कर सकते हैं बुक को, और उसके बाद लगे रहिए बस किसमें, सैंपल पेपर में, प्रीवियस ईयर के पेपर में, और अच्छे नंबर ले आइए। तो इसके लिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, हमारा जो फुल कोर्स वाला तरीका है उसको आप ले सकते हैं, बिल्कुल आसान है, 2 महीने में, 2 महीने से पहले आप अपनी बुक को कंप्लीट कर सकते हैं, इतने आसानी से उसमें आपको समझाया हुआ है। तो अगला हमारे पास है वाई इक्वल टू 15 की पावर 1/4। तो आपने यहां पे मान लिया एक्स की पावर 1/4, डिफरेंशिएट करिए सर, 1/4 एक्स की पावर 3/4 आ गया, समझ रहे हैं ना आप यहां पर, ठीक है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन आएगा, अब यहां पर एक्स मानिए, देखिए आपके पास है एक्स प्लस डेल्टा एक्स है आपके पास 15, तो कोई ऐसा बंदा इसके आसपास सोचिए जिसकी 4 बार मल्टीप्लाई करूं, 4 बार भी मल्टीप्लाई करूं तो इसके आसपास बैठे 16। अगर हम 16 को देखें तो 2 × 2 × 2 × 2, तो मैंने यहां पे 60 ले लिया। अब इससे इसको माइनस करेंगे सर, -1 बचेगा, बात समझ रहे। तो अब अपने फॉर्मूले में हम यहां पर इसको एप्लीकेबल कर लेंगे, तो ये देखिए हमारे पास आ गया है ये f(x). तो यहां पर आप x के प्लेस में 16 लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दूं, 2 की पावर 4 ही तो होता है ना भाई ये 16, और 1/4 फिर से प्लस 1/4, और x की जगह मैंने यहां पे क्या लिख दिया, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4 डॉट -1। तो आपके पास कितना आ गया सर, ये आ गया है 4 से 4 कट गया, 2 बच गया है, और यहां पर 4 से 4 2 की पावर 3 8 8 4 32, तो ये आ गया है माइनस, यहां पर आ गया है -1/32। जब आप 32 को 1 को अंदर रखेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास समथिंग 0.03125 आएगा, इसे इसमें से माइनस कर लीजिए 2.000 लगा के, तो आपके पास ऑप्शन बच जाएगा कितना, तो ये ऑप्शन आ रहा है आपका करीब, इसमें से माइनस कर लेते हैं तो 2
0.0000 और यहाँ पर आपके पास है 0.03125, ये है ठीक है। चलिए माइनस करिए, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ पे 9 में से 2 है 7 और यहाँ पर आपके 9 में से 1 गए 8 और यहाँ पर आपके पास 9 में से 3 गए 6 और ये 9 का 9 और आपके पास ये 1 आ गया। ब्रदर ये जो 7 है ना, ये इसे अप्रोक्सीमेट बना देगा और खुद हट जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो? तो कितना आएगा 1.96 और ये 8 का क्या हो जाएगा 9। हमने 3 डेसिमल तक निकालना है क्योंकि वो कह रहा है आपको सिर्फ 3 डेसिमल तक इसे सोल्व करना है, तो ये हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर आपको ये समझाने का तरीका अच्छा लगा है, अगर आपको लगा कि हमने काफी मेहनत करी है, तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।